हर हर महादेव। हर हर महादेव। वेलकम बैक टू संपदांजय। थैंक यू सो मच फॉर शावरिंग योर लव फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। यू आर नाउ गोइंग टू वॉच द सेकंड पार्ट ऑफ इट एंड वी आर आल्सो रेडी विद द थर्ड पार्ट। प्लीज लास्ट तक वीडियो देखिए। हम केदारनाथ के ट्रिप के बारे में बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, आपको सारी जानकारी देना चाहते हैं। सो प्लीज स्टे टिल द एंड एंड नाउ लेट्स वॉच द वीडियो। संपदा उठ जा, आज केदारनाथ ट्रैक करना है। उठ, गुड मॉर्निंग। इट इज 4:30 एंड वी आर रेडी टू लीव टू केदारनाथ एंड फर्स्ट वील हेड टू सोनप्रयाग एंड देन फ्रॉम देयर वील टेक अनदर कैब एंड देन हेड टू गौरीकुंड एंड फ्रॉम देयर वील डू ट्रैकिंग और हॉर्स राइडिंग और पोनी राइडिंग। सो या लेट्स गो। इस तो भी इम्पोर्टेंट भूल गया हूँ। So there is a parking down here about 1.5 kilometers before Sonprayag and we have to walk for about 1.5 kilometers and we will be taking a Tufan gaadi. This is my favorite for some reason. बचपन से बहुत बार गई हूँ उसमें। So yeah, we'll be taking the Tufan to गौरीकुंड और वहाँ से ट्रैक चालू होता है। But this is very beautiful, very exciting. Let's hope we get our Tufan gaadi quickly in Sonprayag. Everybody is walking. It's really nice. It's हर हर महादेव। ओके, सो वी आर स्टिल वॉकिंग एंड यूजुअली व्हीकल्स आर अलाउड टिल हियर। देयर इज अ पार्किंग लॉट, सोनप्रयाग पार्किंग लॉट ओवर हियर, बट करेंटली क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ हो रहा है, दे आर स्टॉपिंग व्हीकल्स जस्ट अबाउट कपल ऑफ किलोमीटर्स बिफोर सोनप्रयाग एंड वी आर वॉकिंग लाइक दिस। Pretty organized, unlike what it was before. Unlike so, what it was shown on TV. Yeah. Until now. Yeah. Unlike what we have been seeing for the last 1 week or so. So this is a good sign, and let's hope it's just as organized as like right now until Kedarnath. पीकी खुशबू हर जगह। सुसु सुसु की खुशबू। हमारे चाय हेलो लोग चाय गुड मॉर्निंग नहीं छो पा रहे। गुड मॉर्निंग चाय वाले, नॉन चाय वाले, ये कॉफी वाले, सबके अलग अलग शौक है। हाउ इज इट? इट्स वेरी वेरी टेस्टी। दे आर ऑल क्रॉसिंग दिस ब्यूटीफुल ब्रिज। दिस इज मंदाकिनी रिवर। अपना पंटर लोग सब इधर और इधर। वहाँ से वील हैव टू टेक द तूफान दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। वहाँ से गौरीकुंड हम जाएंगे रील के लिए।
That is the Gauri Kund. It is a hot spring. You can see how the steam is coming off it. Hum ja nahi rahe hain, of course. But yeah, that's a view. जहाँ पे सीढ़ी आती है ना तो आगे झुकना बगैर के, लेकिन घोड़े को दिक्कत नहीं होगी फिर चढ़ाई चढ़ने में ना। चले तू भी आगे लेके जा इसको, तू भी टेंशन मत करो आप, आराम से ले जाएंगे आप, है तो हम बस एक अच्छे से ओके। सो आउट ऑफ 10 ऑफ अस 9 आर ऑन बोर्ड म्यूल्स, उन्होंने घोड़ा लिया है एंड आई एम वॉकिंग। आई हैड माई ओन रीजन्स टू वॉक एंड लेट्स चेज दिस लिटिल ड्रीम। इट्स अ लिटिल कैओटिक वेयर द म्यूल्स आर पार्क्ड बट इट्स गेटिंग बेटर नाउ। So this is the first major stop for me and I'm just about a kilometer from Jungle Chhati. I think everybody else has stopped there for breakfast. Hopefully I'll find them there. The biggest challenge right now is the heat. It's pretty hot and the most annoying thing is that there are less people walking than people on mules. So there's hardly any space to walk. That's become a huge challenge. थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है यार चलना, अदरवाइज एनर्जी का कोई प्रॉब्लम नहीं है पर जगह नहीं मिल रहा चलने के लिए। देखते हैं आगे कैसा है। ओके सो आई हैव क्रॉस्ड जंगल छाटी और ब्रेकफास्ट का ब्रेक हो गया। आई समहाउ कॉट अप विथ माय पेरेंट्स संपदास डैड Atya and Mama. The other batch is in front somewhere and these people are at the back. Thoda theek hua hai. It's getting a little better. It's getting a little cooler as well. Can't wait to reach the top. ककड़ी खा के आता हूँ। ककड़ी ओके सर। Finally, I've made it very close to Rambada and the weather has completely changed.
हल्की हल्की सी ड्रिजल हो रही थी कुछ देर पहले, तो मैंने बैग को कवर कर लिया। जैकेट तो मैंने दे दिया था क्योंकि वो बहुत भारी हो जा रहा था, बट स्टिल नॉट वेरी टायर्ड। रुक रुक के खीरा नींबू पानी ये सब कर रहा हूँ। मम्मी ने भी थोड़ा पैक किया था लड्डू, उनको भी ख़त्म किया है। सो फार वेरी गुड, देखते हैं आगे कैसे रहता है। 2013 के फ्लड्स के बाद ट्रैक को जो है कुछ छोटा सा बदलाव किया गया। दैट इज़ बिकॉज दिस पार्ट ऑफ द ट्रैक विच हैड रामबाड़ा वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, एंड नाउ देयर इज अ डाइवर्जन फ्रॉम हियर विच टेक्स यू टू द अदर रूट, द न्यू रूट टूवर्ड्स केदारनाथ। Not sure if you are able to see this, but ये एक बेहतरीन ब्रिज है। थोड़ा सा स्केरी है क्योंकि काफ़ी हिल रहा है, इसलिए जल्दी से निकल जाऊँगा यहाँ से, बट इट्स ब्यूटिफुल। इट्स स्टार्टेड टू ड्रिजल अगेन, तो मैं कोई शेल्टर ढूंढता हूँ जल्दी से। So I'm just about halfway there, exactly halfway to be precise, and okay, so to save some time मैंने सोचा एक पोर्टर ले लेते हैं। सामान हैंड ओवर कर दिया है पोर्टर को, हमारे साथ आ रहे हैं पोर्टर, एंड इट्स बीन अ रियली लॉन्ग डे। आई कैन नॉट वेट टू रीच द टेम्पल एंड मीट माई फैमिली। वेदर बहुत सुंदर है, जितना भीड़ की उम्मीद की थी उतनी ज़्यादा भीड़ है नहीं, सो टू गुड थिंग्स। बस मंदिर के दर्शन हो जाए। This is our tent and this is where we are staying right now. This tent is about 1.5 kilometers away from the temple, so we will have to do some walking. However, this tent is really nice. It has a lot of blankets and pillows to keep all of us warm through the night. थैंक यू भैया जी, थैंक यू। महादेव had a very beautiful darshan, and Shiv is very close to me, like to my heart, because hum log Malaya jo hamare ghar ke bhagwan hai, he is a root of Shivji. So for some reason I always wanted and manifested the fact that I want to come visit Kedarnath. And today's day has been really, really nice because it started drizzling a little bit, and then I was a little worried, kya hoga, darshan milega ki nahi? But then the darshan also went very smoothly. All of us are very happy. Dhakka mukki bahut hai, in spite of the fact that utna bheed aaj nahi hai. Jitna hum TV mein dekhte aaye hain, it's not that much. But then it's been pretty bad though. And safety, so many things, but we're just trying to stay positive with everything we want to do, because this temple right here has been my dream. So yeah, so dream come true now.
This is the tent we got to stay. It can accommodate 12 people, so we took a whole tent for ourselves, and we've been waiting for some update from the helicopter office. So we ordered lunch from a local shop. We just ordered dal, chawal and sabzi. That's it as of now. Jay already left to Fata in a chopper, and there is a little logistic issue, and we could not get one, so we shifted our tent close to the helipad here. We're going to go stand in the line at 4 a.m. tomorrow and hope and pray that we get a chopper down. So we're just going to take any chopper that will take us down to anywhere. I hope we get it. Now we are going to Darshan again because we have the evening, and the evening aarti is going to happen soon. Let's go. The temple is unbelievably beautiful. This is the marvelous rock beam shield which protected the entire temple in 2013 when the floods happened. There is no science that can explain, because this rock rolled all the way from top and it protected the temple, and the water went on the either side and the temple had zero damage. Can you believe it? That is magnificent. We are right now heading down to the Adi Shankaracharya Samadhi. This is right behind the Kedarnath temple. It is believed that Adi Shankaracharya was last seen here. Har Har Mahadev! 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 Yel kot, yel kot! Few steps down the temple on the right, here is the restroom where we are having dinner at. We are having paneer ki sabzi, bhindi, roti, and this looks super amazing. Good morning. Not the best of mornings for me though, kyunki kal sham mein सिर्फ मैं हेलीकॉप्टर में आ पाया, एंड फाटा में जो हम लोग का होटल बुक था वहाँ पे मैं पहुँचा, एंड 7 o'clock को पहुँचा रात को, एंड सुबह 7 बजे तक सोता रहा. ऑफकोर्स माई बॉडी वॉज रियली टायर्ड, इसीलिए घर वाले अभी भी वहीं पर अटके हुए. नॉट श्योर कितने लोग हेलीकॉप्टर से आ पाएंगे, कितने लोग पैदल चल के या घोड़े से आ पाएंगे. थोड़ा सा गुस्सा है, थोड़ा सा दुख है, बट आई हैव बीन हियरिंग फ्रॉम देम दैट उन लोगों का दर्शन अच्छे से हुआ, मेरा भी कल ठीक ठाक हुआ. इट्स नॉट ऑर्गेनाइज्ड एट ऑल. आई विल प्रॉब्ली हैव अ
I'll probably sit and talk about this once we are back home. Filhal, Sampada alag hai mujhse. She's making her own set of videos and I am making my own set of videos. देखते हैं कब क्या हो पाता है. आज बद्रीनाथ पहुंचने का प्लान है. वहां पे पहुंच के बद्रीनाथ जी के दर्शन करनी है. I just hope they all reach back safely and we have the rest of the trip together and मैं अकेले और वो लोग सब एक साथ ना हो ऐसा उम्मीद रख के चल रहा हूँ मैं. देखते हैं. That was some journey and thank you so much for sticking around. Right now we are going to talk about Kedarnath trip. Please pura video dekhiye. It is very very important that you get to know about this particular set of information. Kyunki agar aap khud Kedarnath ya Badrinath ka plan kar rahe hain and apne parents ko leke ja rahe hain khas kar, to kuch cheezon ka aapko dhyan rakhna bahut zaruri hai. I think Sampada is the right person to talk about a few things because her journey towards Kedarnath was different from my journey and I'll be talking about my set as well. Would you like to add something? Yes, so first of all about reaching to Kedarnath, बहुत लोग ये गलती करते हैं कि directly एक helicopter या कैसे पहुंच जाते हैं on the hill where it is difficult for you to breathe all of a sudden because योर एल्टीट्यूड चेंजेस. एक 12,000 फीट के एल्टीट्यूड पे जाने के बाद बॉडी को थोड़ा टाइम लगता है टू गेट ऑक्सीजन. तो ये गलती मत करो. गो स्टेप बाय स्टेप. पहले फाटा पहुंचो, वहाँ से धीरे से सोन प्रयाग, फिर वहाँ से घोड़ा या चलकर या हेलीकॉप्टर में जा सकते हैं. यू नीड टू गिव टाइम फॉर योर बॉडी टू गेट एडजस्टेड टू द एल्टीट्यूड. सो दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. And you should be able to carry just enough luggage. Do not carry too many things. होता ये है कि खच्चर वाले भी एक टाइम के बाद आपका लगेज घोड़े पे रखने से मना कर देते हैं. फिर वहाँ जाने के बाद आपको घोड़े के अलावा भी एक पिट्ठू लेना पड़ेगा who will carry your luggage, which is a lot more expensive. So that is one. And you will have to be mindful of the fact that they will charge according to the person's weight, but there is a fixed government charge. Uske alawa bhi wo aapse paise lete hain. Uske liye aapko thoda prepared rehna padega. And anything else? Oh yes, about the medicines that you need to carry. Please, jo aapke regular medicines hain, wo definitely carry kare. Uske alawa few painkillers or cold medicine, cough medicine, and जिनको breathing problem है वो लोग खास करके ध्यान रखें. These three things are very important. Right, so Sampada और मेरे बाकी family members खच्चर से गए थे केदारनाथ मंदिर की तरफ और मैं गया था trek करके. एंड ठीक है, आप लोगों को जो भी मैप में दिख रहा होगा या जो भी आपने पढ़ा होगा केदारनाथ के बारे में, लेट मी बी वेरी क्लियर. सोनप्रयाग के पार्किंग लॉट से लेके केदारनाथ मंदिर तक अगर आप सिर्फ चलना चाहते हैं तो आपको लगभग 22 किलोमीटर्स का ट्रैक करना पड़ेगा, विच मीन्स कि आपको सोनप्रयाग से पहले एक जगह पे जाना है जहाँ पे आपको शेयर जीप्स मिलते हैं एंड जीप से और कुछ किलोमीटर गौरीकुंड तक पहुँचाते हैं. गौरीकुंड से फिर आपको चढ़ के जाना है उस पॉइंट पे जहाँ पे खच्चर खड़े रहते हैं. अगर आप खच्चर नहीं लेते हैं तो यू स्टार्ट वॉकिंग एंड रस्ते में काफ़ी सारे छोटे छोटे गांव हैं, बहुत सारी दुकानें हैं. सो देयर इज इनफ अरेंजमेंट्स मेड एज फार एज फूड इज़ कंसर्न, वाटर इज़ कंसर्न, मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ कंसर्न. बट हाँ, ऊपर पहुँचने के बाद एक बेस कैंप बोल के एक जगह है जहाँ पे खच्चर का स्टैंड है, उसके आगे खच्चर भी नहीं जाते. तो अनटिल देन यू हैव टू वॉक. उसके बाद तो जो खच्चर के साथ नहीं भी जा रहे हैं उनको भी चलना ही पड़ेगा. एंड बेस कैंप से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है केदारनाथ मंदिर. एंड आई थिंक खच्चर का जो बेस, जो बेस कैंप में जो जगह जहाँ पे खच्चर रुकते हैं, उसके थोड़ी देर बाद ही कैंप्स शुरू हो जाते हैं, टेंट्स शुरू हो जाते हैं. वहाँ पे गवर्नमेंट के भी टेंट्स हैं और वहाँ पे थोड़े प्राइवेट टेंट्स भी हैं. हम लोगों का पर्सनली गवर्नमेंट टेंट के साथ, हाँ,
गवर्नमेंट टेंट के साथ उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा एज फार एज क्लिनलीनेस इज कंसर्न एंड हाइजीन इज कंसर्न. प्राइसेस सेम ही है प्राइवेट और गवर्नमेंट के, बट प्राइवेट टेंट्स आर बेटर मैनेज्ड, दे आर क्लीनर, विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग. एंड आई होप समबडी फ्रॉम द गवर्नमेंट इज़ वॉचिंग एंड दे आर डूइंग समथिंग अबाउट इट. अगर एक और चीज़ है कि अगर आप हेलीकॉप्टर वेबसाइट से बुक करते हैं तो एक फिक्स्ड प्राइस है, तो अगर आप थोड़ा कंफर्टेबली ऊपर ट्रैवल करना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर से कर सकते हैं, बट वी वुड स्टिल सजेस्ट कि आप फाटा में एक दिन रुकें, फिर हेलीकॉप्टर लें, अगले दिन फिर से फाटा में रुकें, सो दैट यू गेट यूज टू दैट. न्यूज़ चैनल्स देखिए, ब्लॉग्स देखिए यूट्यूब पे, बट उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत हो जाइए, डर मत जाइए. इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा चैलेंजिंग है ऑफकोर्स क्योंकि हिमालयाज में है, बट इट इज़ नथिंग दैट यू कैन नॉट डू. एंड एक और चीज़ जो हम लोगों ने इस ट्रिप में सीखा है इज़ दैट अगर आपने घर से मन बना लिया है कि आप हेलीकॉप्टर से जाएंगे या आप खच्चर से जाएंगे या आप चल के जाएंगे, आप उसी डिसीजन में पक्का रहिए, उसको आप चेंज मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ अनसर्टेन है. तो अगर आप अनसर्टेनिटी में और ज़्यादा प्लान चेंज करेंगे तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा टेंशन देगा और इट विल नॉट हेल्प योर कॉज. तो हम लोग का वही सजेशन रहेगा कि आप जो प्लान घर से करके निकल रहे हैं उसी को कीजिए. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप रजिस्टर कीजिए खुद को उत्तराखंड के वेबसाइट पे, हमने लिंक को नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है. बिना रजिस्ट्रेशन के जो छोटा धाम है, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, केदारनाथ हो या बद्रीनाथ हो या फिर हेमकुंड हो, आप बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे नहीं जा सकते हैं. एंड नीचे चेक पोस्ट्स में आपको रोका जाएगा और वहाँ से आपको शायद वापस भेजा जाएगा. एंड ऐसा ऑब्वियसली हम नहीं चाहेंगे कि आप रुद्रप्रयाग या गौरीकुंड तक जाके फिर वापस आ जाएं. तो इसीलिए प्लीज़ रजिस्टर योरसेल्फ ऑन द वेबसाइट. नाउ आई थिंक संपदा विल टॉक अबाउट क्या क्या चीज़ों का आपको ऊपर लेके जाना चाहिए केदारनाथ मंदिर की तरफ एंड क्या क्या चीज़ें आपको लेके बिल्कुल नहीं जाना चाहिए. जैसे मैंने पहले मेंशन किया अबाउट कैरिंग योर मेडिसिंस एंड लाइट लगेज, आप क्योंकि वहाँ पे एक दिन से ज़्यादा रहने का ऑप्शन नहीं है, प्लीज़ आप अपने बैग को बहुत सारे कपड़ों से ना भरें. कैरी वन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स एंड जस्ट इनफ मेडिसिंस विच यू विल नीड फॉर वन और टू डेज. एक दो दिन के मेडिसिंस भी एक्स्ट्रा रख लीजिए. बट सबसे इम्पॉर्टेंट एक रेनकोट होता है और गर्म कपड़े. दीज टू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि वहाँ पे कब बारिश होता है उसका कोई आइडिया नहीं होता है और उसके कुछ देर बाद इमीडिएटली बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है. सो इन चीज़ों का ध्यान रखना है. आपके शूज़ ज़्यादा हैवी ना हो तो अच्छा होगा. कम्फर्टेबल वॉकिंग शूज़ शुड बी मोर देन इनफ. ऐसे ट्रैकिंग शूज़ ही लेके जाना है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है. एनी थिंग दैट विल मेक यू फील कंफर्टेबल वाइल वॉकिंग इज मोर देन इनफ. बिकॉज घोड़ा एक मेजर पार्ट कवर करता है बट देर इज अ लॉट ऑफ वॉकिंग यू विल हैव टू डू योर सेल्फ ऑल्सो. पिट्ठू वगैरह भी मिल जाता है बेस कैंप से लेके मंदिर तक, बट वो ऑप्शन सबके लिए नहीं होता है, इट इज़ बाई चॉइस. सो कैरी कंफर्टेबल वॉकिंग शूज. Your medicines, I cannot mention enough number of times, वहाँ पर medicines काफ़ी ज़रूरी है. उसके अलावा मेरे को एक चीज़ important mention करना है कि before we left to केदारनाथ, all we watched on TV, especially our parents, was सब लोग YouTube में सिर्फ ये बोल रहे थे कि इतने लोग घोड़े से गिर गए, इतने घोड़े फिसल गए, do not take घोड़ा. But then you cannot expect parents who are in their 50s, 60s or 70s to walk for 22 kilometers. So please apne parents ko mat daraiye, unko boliye ki khachar le lo, ghode le lo, they are absolutely safe. Yes, 4 ghante ki baat hai, dar lagega, but ek aadhe ghante ke baad you will get used to it. Wo movement aap samajh jaoge ki aapko kaise baithna hai, aap samajh jayenge. Please enjoy the moment even if you are a little scared, so the journey is comfortable for you and for your family. Absolutely.
तो वी कैन नॉट स्ट्रेस ऑन दिस इनफ कि आप खुद से बहुत ज़्यादा टेंशन मत ले जाने से पहले, एक फ्री माइंड लेके जाइए. इट इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस. हमने रास्ते में जितने भी लोगों से बात किया, सब ने एक ही चीज़ कहा कि ऊपर स्वर्ग है. एंड इट इज़ एब्सोल्युटली राइट कि ऊपर स्वर्ग है. एंड स्वर्ग जितना सुंदर जगह अगर आप जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत चैलेंज तो आपको फेस करना ही पड़ेगा, बट इट इज़ नथिंग दैट वी कैन नॉट डू. तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. कीप फॉलोइंग संपदा एंड जय. बाय. थैंक यू.